गन्स, जिसका निर्माण तो सुरक्षा के लिए किया गया था, पर यह आज तबाही का एक कारण बन चुकी है। सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ इसका इस्तेमाल गुनाह करने के लिए भी होता आ रहा है, पर इस दुनिया में कुछ गन्स ऐसे भी मौजूद हैं, जिन्होंने बंदूकों की आम धारणाओं को छेद देते हुए अपने अलग रूप और इस्तेमाल से दुनिया को चौंका दिया है। आज दोस्तों हम जानने वाले हैं दुनिया के 7 सबसे अजीब और खतरनाक बंदूकों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 7, रेमिंगटन 1859 रिवॉल्वर। पोलैंड में रहने वाले रीस जास टोबाइस इस व्यक्ति ने रेमिंगटन 1859 इस रिवॉल्वर के बनाए गए वर्जन को इस दुनिया की सबसे बड़ी रिवॉल्वर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है। ये रिवॉल्वर उठा के चलाने के लिए शायद हल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका वजन है 45 किलोग्राम। 1.25 मीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर ऊंची ये रिवॉल्वर आप हाथों से उठाकर तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते। इसे इसके खास बनाए गए स्टैंड पर रख के ही चलाना पड़ता है। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां समा सकती हैं, जिसमें से हर एक गोली का वजन 136 ग्राम इतना ज्यादा होता है। नंबर 6, रिंग शेप्ड गन। आजकल की हिंसक बनी दुनिया में हर किसी को स्वयं सुरक्षा की जरूरत महसूस हो रही है। लूट, बलात्कार, जबरन चोरी, हमें इनसे बचने के लिए खुद को पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। रिंग शेप्ड गन एक ऐसी ही छोटी गन है जो आप हर वक्त अपने पास रख सकते हो। पुराने जमाने में इंग्लैंड में बनी ये रिंग किसी भी बड़े गन इतनी ही घातक होती है। हालांकि इसकी गोलियां छोटी होती हैं, पर इंसानी शरीर पर ये बड़ा आघात कर सकती है। खास महिलाओं के लिए बनी ये रिंग शेप्ड गन उन्हें कठिन हालातों में खुद की सुरक्षा करने का मौका देती है। नंबर 5, गैटलिंग गन। गैटलिंग गन को बनाने के लिए इसके निर्माताओं ने 6 रशियन SKS राइफल्स का इस्तेमाल किया है। बड़ी मात्रा में मौजूद शत्रु का खात्मा करने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 राइफल्स को एक साथ जोड़ देने की वजह से एक ही बार में 6 गुना ज्यादा गोलियों की बौछार ये शत्रु पर कर सकता है, जिसकी वजह से आपके इलाके में बढ़ रहे शत्रु को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इससे बेहतर गन शायद ही आपको कहीं मिलेगा। नंबर 4, डक फुट। ये अलग नाम लेके चलने वाले इस गन को, ये नाम डक यानी कि बत्तख के पैरों जैसे दिखने वाली इसकी नलियों की वजह से मिला है। ये नलियां 4 या 3 भी हो सकती हैं, जो एक दूसरे से एक निश्चित एंगल से मुड़ी होती हैं। इसके पीछे का मकसद है 4 लोगों के खिलाफ एक व्यक्ति ऐसी लड़ाई। अगर आपके सामने 4 दुश्मन एक निश्चित एंगल पे खड़े हो तो इसके एक ही फायर में आप 4 लोगों को ढेर कर सकते हो। नंबर 3, मैगपुल FMG-9। आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज तो देखते ही होंगे। जेम्स बॉन्ड की मूवीज में दिखाया गया है कि कैसे गैजेट्स अचानक से अपना रूप बदल लेते हैं। कुछ इसी तरह अपना रूप बदलने में माहिर है मैगपुल FMG-9 ये मशीन गन। इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। FMG यानी कि फोल्डिंग मशीन गन। जब ये फोल्ड की जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रेडियो हो, पर इसका बस एक बटन दबाने से ये रेडियो से मशीन गन बन जाती है। सरकारी एजेंसीज को जब कोई टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देना होता है, तब इस गन का इस्तेमाल मिशन के दौरान किया जाता है। नंबर 2, ग्लॉक विथ 100 राउंड ड्रम। ये गन किसी बच्चे का खिलौना नहीं है दोस्त, ये है 100 कारतूसों से भरी ग्लॉक गन। ये गन दिखने में जितनी ताकतवर दिखती है, ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। 5 सेकंड में ये 100 राउंड फायर कर सकती है। एक गन पे 2 मैगजीन्स लगे होते हैं और हर एक मैगजीन में 50 से ज्यादा गोलियां मौजूद होती हैं। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हो, ये मैगजीन कुछ इस तरह से घूमना शुरू होता है जैसे किसी गाड़ी का पहिया घूम रहा हो। ऑब्जेक्ट जिस पर आप गोलियां चला रहे हो, उसे सोचने तक का वक्त ये गन नहीं देती और ऑब्जेक्ट की बॉडी इन गोलियों से छल्ली हो जाती है। नंबर 1, पंट गन। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूज की जाने वाली ये इस लिस्ट की सबसे बड़ी गन है, जिसका नाम है पंट गन। इसकी साइज और वजन की वजह से ये गन कोई भी एक इंसान नहीं उठा सकता। इसे उठाने के लिए कम से कम 2 इंसान तो लगते ही हैं। ये बंदूक आमतौर पे एक छोटी सी नाव पे लगाई जाती थी। इसके निर्माण के पीछे का कारण बेहद ही दिलचस्प है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अमेरिका में बतखों का व्यावसायिक तौर पर शिकार किया जाता था और पैसे कमाए जाते थे। ये बंदूक उन बतखों का शिकार करने के लिए ही बनाई गई थी। इस गन के एक शॉट में ज्यादा से ज्यादा बतखों को मार दिया जाए, इसी हिसाब से ये शिकारी गन फायर करते थे। एक बार एक अमेरिकन शिकारी ने इसके एक ही शॉट में 90 बतखों को मार गिराया था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।